नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमैर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने 9.26 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। कहते हैं कि जो एक बार काशी की धरती पर कदम रखता है, वो हमेशा हमेशा के लिए काशी का ही हो जाता है। काशी है ही कुछ ऐसी जहां हिंदुस्तान की संस्कृति की सच्ची झलक दिखती है। ये तो मोदी हैं, ना ही काशी को भूल पाए और ना ही काशी उन्हें भूल पाई। ये शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि भले ना हो, लेकिन कर्म भूमि ऐसा बना मानो इस शहर से उनका सदियों पुराना रिश्ता रहा हो। लोकसभा चुनाव खत्म होने और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काशी की जनता भी जुटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे के साथ साथ मेहंदीगंज ग्राम सभा स्थल पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पुलिस लाइन से लेकर दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक पूरे यात्रा मार्ग में काशीवासियों संग बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ा डमरू दल के साथ शंखनाद और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर पीएम का जोरदार स्वागत करते नजर आए। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने मेहंदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए, और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। पीएम मोदी ने डीबीटी के जरिए 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि 9,26,00,000 लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर किया। इसके बाद स्वयं सहायता समूह की 30,000 महिलाओं को भी प्रमाण पत्र दिया। विरासत भी और विकास भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को इसी तर्ज पर बीते 10 सालों में विकसित किया है। अब पीएम मोदी तीसरी बार फिर से काशी की जनता की सेवा में हाजिर हैं। दिनेश मिश्रा, जी मीडिया, वाराणसी।